कल्याण में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात रेलवे स्टेशन परिसर में जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। बहाव इतना तेज था कि पानी की बौछार लगभग 80 से 100 फीट ऊंचाई तक पहुंच रही थी। बता दें कि कल्याण रेलवे स्टेशन परिसर में पुल बनाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत पार्किंग के पास पोकलेन से खुदाई करने का काम चल रहा था। खुदाई के समय महानगर पालिका की जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन टूट गई। कुछ घंटों तक तेज बहाव के साथ पानी बहता रहा। बहाव में इतना जोर था कि पानी का फव्वारा चौथी मंजिल तक ऊपर उड़ रहा था। इस मंजर को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पानी की वजह से पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों का भी मामूली नुकसान हुआ, तो वही स्टेशन परिसर जलमग्न हो गया। कल्याण स्टेशन के बाहर जल जमाव जैसा मंजर देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही महात्मा फुले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। महानगर पालिका को भी सूचित किया गया। हालांकि कुछ घंटों में पानी बंद हो गया, लेकिन तब तक लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। इस घटना से कहीं ना कहीं प्रशासन के नियोजन की कमी साफ झलकती है। चालू आहे इकडे पाण्यात